हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी टॉक अबाउट सिनेमैटिक फोटोग्राफी। अब सिनेमैटिक फोटोग्राफी क्या होती है और सिनेमैटिक फोटोग्राफ कैसे क्लिक करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सिनेमैटिक फोटोग्राफी क्या होती है? सिनेमैटिक फोटोज़ वो फोटोज़ होती हैं जो आपको मूवी जैसा फील कराएं। मान लीजिए आपने एक फ्रेम देखा और फ्रेम को देखकर आपको कई सारे आपके मन में क्वेश्चन आते हैं और उस लोकेशंस को आप इमेजिन करने लगते हैं। इस टाइप की फ़ोटोज़ को हम सिनेमैटिक फ़ोटोज़ कह सकते हैं, या जो फ़ोटोज़ स्टोरी टेलिंग का काम करती हैं वो फोटोज सिनेमैटिक फोटोज़ कहलाती हैं। हाउ टू शूट ए सिनेमैटिक फोटोज। फर्स्ट, यू नीड ए कैमरा। अब डजंट मैटर यू हैव DSLR और नॉट। अब DSLR होने के कुछ एडवांटेज हैं जिससे आपको क्वालिटी हाई मिल जाती है, बट अगर आपके पास DSLR नहीं है तो आप फ़ोन से भी सिनेमैटिक फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। ऑलवेज यूज मैनुअल मोड। अब फ़ोन में प्रो मोड भी कहते हैं इसे। इसका फ़ायदा है आप अपनी फ़ोटोज़ को और ज़्यादा कंट्रोल में रख पाते हैं। उसकी शटर स्पीड, उसकी ISO और उसका अपर्चर आपके कंट्रोल में होता है। लाइटनिंग। अगर आपको लाइटनिंग की नॉलेज है तो आपने 70% फोटोग्राफी सीख ली है, बिकॉज बिना लाइट के आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं। सो अगर आपको सिनेमैटिक फ़ोटोज़ क्लिक करनी है तो आपको लाइटनिंग की नॉलेज होनी चाहिए। और कोशिश करें इन्वायरमेंट की लाइट पर डिपेंड करें, आप किसी एक्सटर्नल फ्लैश या इन एक्सटर्नल लाइट पे डिपेंड ना करें। बिकॉज अगर आप इन्वायरमेंटल लाइट को यूज़ करना या उसके साथ खेलना सीख जाएंगे तो आप फोटोज़ को एक नेचुरल और एक सिनेमैटिक लुक दे पाए। हाईलाइट एंड शेडो। अब सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, आपकी फुटेज का, वीडियो का या फोटो का वो पार्ट जो ज़्यादा ब्राइट है, मान लीजिए जैसे आप देख सकते हैं ये ब्राइट एरिया, ये हाईलाइट है, और आपको शेडोज मान सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये एरिया जितना डार्क दिख रहा है ये शेडोज होती हैं। अगर आपको इसकी अच्छी खासी नॉलेज है और आपको हाईलाइट और शेडो के साथ खेलना आता है तो आप इस अपनी वीडियोज़ या फ़ोटोज़ के स्किल्स को बहुत अपर लेवल ले जा सकते हैं। और सिनेमैटिक वीडियोज़ बनाने के लिए या फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए हाईलाइट और शेडोज़ की बहुत ज़्यादा नीड होती है। और ये मेरे पहले वाले पॉइंट के साथ का ये पॉइंट है, बिकॉज अगर लाइटनिंग की आपको नॉलेज है तो आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। शूट इन रो। अब रो में शूट करने के आपको सबको फ़ायदे पता होंगे, अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, पोस्ट प्रोडक्शन में आप इससे बहुत अच्छी कलर ग्रेडिंग कर पाएंगे और इसमें बहुत सारे चेंजेस कर पाते हैं। रो में शूट करने के तो बेनिफिट बहुत सारे हैं, बट अगर आपके कैमरे या फ़ोन में रो का ऑप्शन नहीं है सो ज़्यादा टेंशन ना ले, बिकॉज अगर आपको सीखना है तो आप जिससे सीखना चाहें उससे सीख सकते हैं। आप नॉर्मल JPEG फोटोज़ से भी एडिटिंग में थोड़ा अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं, तो टेंशन ना ले। बट अगर आपके फ़ोन में या फिर DSLR में रो का ऑप्शन है तो प्लीज़ रो में जाए। कॉम्पोजिशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन फिल्म मेकिंग एंड फोटोग्राफी। अब ऐसा क्यों? बिकॉज कॉम्पोजिशन के बिना कोई मूवी बन नहीं सकती, कोई फोटो क्लिक नहीं हो सकती। अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे थे बिल्कुल नहीं कर सकते आप बिना कॉम्पोजिशन के। तो कॉम्पोजिशन क्या होती हैं? अगर आप किसी फ्रेम में या किसी फोटो में या वीडियो में या फिल्म में कोई एक फ्रेम को देखें और उसमें शेप ढूंढने की कोशिश करें, अगर आपको शेप दिखती हैं तो आपने कंपोजिशन बनानी सीख ली है। ये सबसे इजी वे है, बट कंपोजिशन के अपने कई बहुत सारे रूल्स हैं और कह नहीं सकते इसके रूल्स के बारे में। मैंने भी बहुत सारे जितने मैंने पढ़े हैं उससे बहुत ज़्यादा रूल्स हैं। सो मैं आपको एक दो के नाम बता सकता हूँ, जैसे आ गया रूल ऑफ थर्ड हो गया, गया नेगेटिव स्पेस हो गया, और फ्रेम इन फ्रेम हो गया, और भी बहुत सारे रूल्स हैं। और तो अगर आपको इन सबकी नॉलेज हो तो आप एक बहुत बड़े और प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन सकते हैं। तो मान लीजिए लाइटनिंग के बाद सेकंड आता है कंपोजिशन, जो एक फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एडिटिंग, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन सिनेमैटिक फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, बिकॉज विदाउट कलर ग्रेडिंग तो वीडियोज़ का या फोटोज़ का इतना कुछ खास पता नहीं चलता। बिकॉज फोटोग्राफी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सिनेमैटिक फ़ोटोज़ आपके मूड पे को दिखाती हैं, आपको एक इमोशन देती हैं, और वो पैदा होता है आपका कलर ग्रेडिंग से। बिकॉज कलर ग्रेडिंग के बिना आप वो चीज़ फील नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए जैसे अगर आप DC की मूवीज़ देखते हैं, बैटमैन हो गया या फिर उसकी बहुत सारी मूवीज़ हैं, उनका एक जो मेन कॉन्सेप्ट है डार्क थीम है, वो डार्कनेस को लेकर ज़्यादा चलते हैं। और आप वहीं पर मार्वल की देख सकते हैं, मार्वल में कलरफुल दिखाया जाता है। तो ये एक कलर को सिनेमैटिक बनाने का तरीका होता है, अपने व्यूअर को पॉइंट ऑफ व्यू देने का, दिखाने का। सो कलर ग्रेडिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन सिनेमेटोग्राफी। आप चाहे फोटोज़ क्लिक करें या वीडियोज़ बनाएं।